कुछ दिन पहले हुई पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट का पुलिस ने अधीक्षक ने किया खुलासा। लूट करने वाले 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार और भेजा गया जेल। जनपद जालौन पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली जालौन पुलिस सर्विलांस सेल USOG टीम द्वारा थाना कोतवाली जालौन में हुए पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई लूट की घटना में लूट का अंजाम देने वाले 3 लोगों को अवैध असलाह और कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद जालौन में कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट हुई थी, जिसका पुलिस अधीक्षक जालौन ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट अंजाम देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जालौन ने बताया कि चोरों के पास से लगभग 34,000 रुपए और एक स्विफ्ट कार बरामद किया गया है। जनपद जालौन से कृष्ण कुमार कुशवाहा की खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो लूट का वर्कआउट थाना जालौन की पुलिस ने किया है, आपको बता दें कि 5 जुलाई को एक सुषमा पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट हो गई थी, उसमें उसी घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर कार और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं, उसके संबंध में भी बना पंजीकृत किया गया है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है तो इनके पास से 34,000 रुपये कैश, स्विफ्ट डिजायर कार और अवैध असलहा बरामद हुआ है। इनके 3 अन्य साथी भी प्रकाश में आए हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें कुछ लोग मुरैना के हैं, कुछ यहाँ के भी रहने वाले हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी कुछ लोगों का पाया गया है और कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और 3 अन्य वांछित हैं इसमें, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और इस घटना को संपूर्ण रूप से खुलासा करते हुए इनके खिलाफ आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और इनकी संपत्तियों का भी जब्तीकरण करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कितने रुपए की लूट हुई थी? देखिए, जो लूट हुई थी उस लूट की घटना में 3 लाख के आसपास 3,36,000 कैश किया था और अभी उसमें से जब इन लोगों के पास से पकड़ा गया है तो 34,800 रुपये अभी नकद बरामद हुआ है। एक स्विफ्ट कार, उस समय जब इन लोगों ने घटना की थी तो मोटरसाइकिल से घटना की थी, फिर ये लोग भागे थे और अपने अन्य साथियों के साथ एक स्विफ्ट कार में बैठ के फरार हुए, तो उस स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद कर लिया गया है और इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। ये संभवतः किसी घटना को करने की प्लानिंग कर रहे थे और वो अगर इनको मौके पर नहीं पकड़ा जाता तो ये कोई दूसरी घटना करते, तो उस घटना को भी एक तरह समझिए कि रोक लिया गया है। और बाकी इनके 3 अन्य साथी भी जो प्रकाश में आए हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना का पूर्ण रूप से अनावरण करते हुए आगे की निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जाएगी। आपराधिक इतिहास में इनका आपराधिक इतिहास भी है, कुछ का मुरैना, एक आकाश शर्मा जो है रहने वाला मुरैना का, उसके खिलाफ 3-4 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। विनोद कुमार राठौर है, उसके खिलाफ भी मुकदमे प्रकाश में आए हैं और बाकी CCTNS से भी जानकारी की जा रही है और अग्रिम पूछताछ में आगे की विवेचना में ये सारी डिटेल्स प्रकाश में आएंगी, जो अगर जो भी आगे सामने में आता है तो अगले बार शेयर किया जाएगा। इनाम दिया गया पुलिस को अभी, बाकी जब ये पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा, बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी तो यथोचित इनाम दिया जाएगा।